एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पर बात करेंगे जो रवांडा मेंस टी20 का आज के दिन का यहाँ पर पहला मैच होगा जो खेला जाएगा तेलुगु रॉयल वर्सेस IPRC किगाली सीसी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में, तो ये मैच 12:30 बजे स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा सेम स्टेडियम गंगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और ये जो विकेट है बॉलर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद करता है एज़ कम्पेयर टू बैटर्स। एवरेज स्कोर 70 से 100 बनता है। 12 मुकाबले यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, 8 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 4 में चेज हुआ है। अब देखो, पहले बात करेंगे यहाँ पर IPR की टीम की, तो इनकी टीम ने 4 में से 2 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस इनकी टीम यहाँ पर हारी है। अब इनकी तरफ से ओपन करेंगे नियो मुगाबो इजाई और उनके साथ में आ रहे हैं ऑस्कर मानिसिमावे, दोनों ओपन करते हैं। तो नियो मुगोबा इजाई की बात करूँ तो ठीक ठाक फॉर्म में से इनका 10 है, 24 है, 1 है, 22 है, मतलब सिर्फ एक मैच में फ्लॉप है, उसके अलावा 3 मैच में इनका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन तो रहा है। ओवरऑल इनके नाम 13 मैच में 305 रन 25 का एवरेज है। ऑस्कर मानिसिमावे पहले में 5 फिर 9, पहले दो मैच खास नहीं रहे लेकिन आखिरी के दो मैच में 38 और 28 हैं, 7 के 7 विकेट कीपिंग के भी आपको पॉइंट देगा, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एम मुसिन यहाँ से मुसियो दुसेंगे, देखो 25 हैं, 3 हैं, 23 हैं, 10 हैं, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस इनका भी रहा है। इमिली रुकिरेजा है, ये इनका मेन काम बॉलिंग है, इमली रुकिरेजा का 4 मैचेस में इनके नाम 4 विकेट हैं और बल्ले से यहाँ पर 6 नॉट आउट, 6-0 और 2 हैं। ओवरऑल 31 मैच में 247 28 विकेट हैं। फिर आएंगे यहाँ से जिराग जे फ्रेंकोइस, जिनके नाम देखो आप 7-12-5 नॉट आउट 1 हैं, ओवरऑल 8 मैच में 45 7 विकेट हैं। जी एन पियरे रुकोंडो, देखो पहले में 0 फिर 18 0 विकेट फिर 15 फिर 2 नॉट आउट हैं, उतना खास रिकॉर्ड इनका नहीं है, बैटिंग नीचे कर रहे हैं साथ के साथ बॉलिंग नहीं करवा रहे, बड़ी बात, अदरवाइज इंपॉर्टेंट रहते। तो ये जो दो प्लेयर हैं इनको अगर आप चाहो तो ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हो, स्मॉल लीग में खास नहीं है। फिर आएंगे ऐसे इरादू कुंडा जीन माइकल, ये बहुत अच्छा बॉलर है, इसके नाम 4 मैचेस में टोटल 6 विकेट्स हैं। और यहाँ से आएंगे नदिया सिंह के थियोपिले, जिनके नाम 4 मैचेस में 6 विकेट और बल्ले से 12 नॉट आउट हैं। फिर यहाँ पर चलेंगे इरिक कुबीमाना, ये आपके लिए ग्रैंड लीग का ट्रंप है क्योंकि 4 मैच में इस बंदे ने ना 7 ओवर डाले, मतलब लगभग हर मैच में इसने अपने 2 ओवर कंप्लीट किए हैं, विकेट इसके नाम अब तक एक भी नहीं है, लेकिन भाई जो लगातार बॉलिंग करवा रहा है भाई, अगर इसका दिन हुआ 2 विकेट भी अगर ले गया तो आपके लिए ग्रैंड लीग में काम कर जाएगा। इनके अलावा एक और प्लेयर है रिंदिरो ब्लेसे रोमियो, जिसके नाम 4 मैचेस में 4 ओवर विकेट लेस हैं, ओवरऑल 4 मैच में 8 विकेट है, लेग ब्रेक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है। इनके अलावा आएंगे गिरानेजा अल्थीमोन, इन्होंने देखो पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं करवाई, आखिरी मैच में इन्होंने बॉलिंग करवाई थी जहां पर इन्होंने 2 ओवर में मात्र 5 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था, अच्छी बॉलिंग करवाई थी, 25 मैच में 21 विकेट थे। तो यहां से देखो मैं अभी के लिए जो सबसे अच्छे प्लेयर हैं वो हैं नियो मुगोबा इजाई, ऑस्कर मानिसिमावे, इनके अलावा एमी हैं, और नीचे यहाँ पर इमली रुकिरेजा बहुत बढ़िया बॉलर है, और इनके अलावा जो नीचे बॉलर हैं यहाँ से देख सकते हो आप, ये जो दोनों बॉलर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इरादू कुंडा और यहाँ से एन थियोपिले, दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये जो दो प्लेयर हैं ये ग्रैंड लीग के हैं, स्मॉल लीग में उतने सेफ नहीं रहेंगे। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के जो ओवर हैं वो डालेंगे ई कुबीमाना, आई जीन माइकल और जी एल्थीमोन, और डेथ में आएंगे यहाँ से आई जीन माइकल, ई कुबीमाना, एन थियोपिले। अब बात करेंगे दूसरे टीम यानी कि TR की टीम की, TR की टीम की बात करूँ ना, 4 में से मात्र 1 मुकाबला इनकी टीम जीती है, 3 मुकाबले हारी हैं। अब जो इनकी टीम है ना लगातार बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करती हैं, तो थोड़ा सा रिस्की मैच रहने वाला है क्योंकि ये बार बार में प्लेइंग 11 में भी बदलाव करते हैं साथ के साथ बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव करते हैं। अब जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पर ओपन किया था मोहम्मद वसीम भट्ट और उनके साथ में आए थे संबा शिवा राव बोटला,
देखो भट्ट मोहम्मद वसीम है ना, सिर्फ 5 रन करके आउट हो गया था उस मैच में, लेकिन ओवरऑल ना ये अच्छा प्लेयर है। इसने 2 मैचेस खेले थे टोटल T10 के, जिसमें 71 रन है, 35 का एवरेज और 0 विकेट है 2 ओवर डाल के, तो बहुत अच्छी बैटिंग ये कर भी सकता है, ये बात आप ध्यान में रखना। संबा शिवा राव बोटला 5-4-12-8, उतना खास रिकॉर्ड इसका नहीं है। हाँ विकेट कीपिंग के आपको थोड़े बहुत पॉइंट दे सकता है, चाहो तो रख लो, उतना सेफ मेरे को ऑप्शन लगानी। जीन बॉस्को तुई जीरे 3-18-29-7 हैं, अच्छी बैटिंग की है, ओवरऑल 74 मैच में 1364-24 का एवरेज, 5 विकेट है। साइरस ककुरू हैं, पहले 3 मैच खेला नहीं, आखिरी मैच में 4 हैं, T20I में इसके नाम 11 मैच में 72 रन है। सैयद आदिल हैदर, पहले ये ओपन कर रहा था, टॉप ऑर्डर में खेल रहा था, लेकिन लास्ट मैच में नंबर 5 पर आया था, 11 हैं 23 हैं 4 हैं 0 हैं, उतना ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है इनका। सेम यवान है, 4 मैचेस में 1 ओवर डाला है विकेटलेस, बल्ले से यहाँ पर 1 नॉट आउट, 5 नॉट आउट, 14 है, नीचे बैटिंग कर रहे हैं। अमित शिवा भाई पटेल ये अच्छा बॉलर है, 4 मैचेस में 5 विकेट और बल्ले से 0-3-2 है, लास्ट सीजन भी 14 मैच में 148, 6 विकेट है। रमू मोरापुदी जो कि टीम के कप्तान भी हैं, 4 मैचेस में 2 विकेट और लास्ट सीजन 12 मैच में 8 विकेट दें। अजय कुमार पहले मैच में बॉलिंग नहीं, लेकिन अगले 3 मैच में बॉलिंग कराइए, वहाँ पर 2 विकेट हैं, ओवरऑल 3 मैच में 1 विकेट है। रविंद्र कुमार पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं कराई, उसके बाद 2 मैच खेला नहीं, और जब लास्ट मैच खेला तो वहाँ पर 2 ओवर डाले जिसमें 2 विकेट इसके नाम थे। इसी मवे अर्नाल्डो के नाम 3 मैचेस में 5 ओवर डाल के 3 विकेट हैं और लास्ट सीजन 11 मैच में 7 विकेट हैं। यहाँ से पिक कर सकते हो आप भट्ट मोहम्मद वसीम, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो ये बंदा आप रख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको सेफ जाना है तो छोड़ देना। यहाँ से जीन बॉस्को बहुत बढ़िया बैटर है, इसके अलावा नीचे से यहाँ पर चलूँ तो यहाँ से अमित शिवा भाई पटेल बॉलर हैं, अजय कुमार को आप रख लो, इसके अलावा यहाँ से इसी मवे अर्नाल्डो हैं, और बाकी एक और बॉलर ना आप इन दोनों में से कोई एक रखना। बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले, स्टेट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे अजय कुमार, रविंद्र कुमार, डेथ में आएंगे आर मोरापुदी, यहाँ से अमित शिवा भाई पटेल और आई अर्नाल्डो। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, उससे मोटिवेशन बना रहता है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी यहाँ पर अपन चलते हैं डेमो टीम की तरफ, बात करूँ भाई यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में आप देख सकते हो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है जे तुई जीरे और यहाँ से ओ मानीसी मवे, इनके अलावा बैटिंग सेक्शन से मैंने एकमात्र प्लेयर रखे हैं एन इजाई, और ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने रखा है आर मोरापुदी, यहाँ से भट्ट मोहम्मद वसीम मेरा ट्रंप है ये, ई रुकीरिजा को रखा है, एन थियोपिले को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से आई अर्नाल्डो, यहाँ से ए शिवा भाई पटेल, जी अल्थीमोन और आई जीन माइकल को मैंने यहाँ पर रखा है, कैप्टन एन थियोपिले, वाइस कैप्टन ई रुकीरिजा है। लेकिन ये फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है भाइयों, फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा कमेंट सेक्शन में जहाँ पर आप जाओगे ना, जहाँ पर आप कमेंट करते हो, तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट है उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स, फाइनल टीम, सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो थैंक यू भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।